Hello. It's okay. क्या बात है? मैंगलोर में हमारे शिपिंग कंसर्न में छापा मार के उस एक्साइज इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने 5 करोड़ का सेकंड स्लेवर सीज किया है। ये तीसरी बार उसने हमारा माल सीज किया है। उसे इस बार भी छोड़ देने से बहुत मुश्किल होगी। आप अपने अब्दुल को फोन करके जल्द से जल्द उसका काम तमाम करने के लिए कहो। ठीक है। अब्दुल, हाँ, हमारे शिपिंग कंसर्न में एक्साइज इंस्पेक्टर ने छापा मारकर 5 करोड़ का सेकंड लेवर सीज किया है। उसे खत्म कर दो। सेठ, अब्दुल को सुपारी मिल गई है। समझती खुद को है? क्या सोचकर तुमने ये सब किया है? सच्चाई बयान करने के लिए सोचना क्या है? शाबाश, तू कौन सी सत्यवादी है सच्चाई बयान करने वाली है? मेरे माँ बाप ने नहीं कहा, बेचारा प्रिंसिपल ने भी नहीं कहा, तो तू कौन होती है? यही तो गलती हुई है। अगर कहने वाले तुमसे पहले ही कहते तो तुम इतनी हद पार नहीं करते। ए! अगर और कुछ बोली तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब तक इस आकाश को किसी ने कुछ समझाना तो दूर की बात है, बात करने की भी हिम्मत नहीं की। इस बात का घमंड मत दिखाना। बुजुर्ग, भगवान, माँ बाप, हम उनके पैर पड़ते हैं। कोई हत्यारा सीने पर बंदूक तान कर मेरे पैर पड़ो नहीं तो मार दूंगा ऐसे कहता है, तब भी हम पैर पड़ते हैं। पैर पड़ना भले एक जैसा हो, लेकिन उनके पीछे जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। तुम जिन्हें अपना दोस्त मानते हो, ये सारे तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। तुम्हारी गलती को गलत कहने के लिए किसी में भी हिम्मत नहीं है। मतलब तुम में वो हिम्मत है क्या? यस, वो हिम्मत मुझ में है।
बेवकूफों को समझना बेकार है, ये जानते हुए भी मैं तुम्हें समझना जरूर चाहूंगी। ए! मारोगे क्या? मार दो। तुम जैसे अमीरों के लिए इंसान की कीमत, इंसानियत की कीमत, प्यार की कीमत, विद्या की कीमत बेशक कुछ भी ना हो, लेकिन गरीबों के लिए ये सब कुछ है। ए, तू जानती नहीं ये कौन है? करोड़पति नारायण जी का इकलौता बेटा, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मोतीलाल नेहरू जी के पास करोड़ों की जायदाद होते हुए भी उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू नहीं पढ़े क्या? प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्या? उनकी बेटी इंदिरा गांधी नहीं पढ़ी क्या? वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी? उनके बच्चे पढ़कर पायलट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? कालिदास प्रसिद्ध कवि बने उनकी पढ़ाई से, उनके ज्ञान से। श्री विश्वेश्वरैया पढ़कर ही इंजीनियर बने और फिर उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई। डॉक्टर आम्बेडकर पढ़े तभी तो देश का संविधान बना। हजारों लाखों रुपए होने पर भी जिसे हार्ट प्रॉब्लम होता है उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की ही जरूरत होती है। इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऑडिटर्स, साइंटिस्ट, इनके होने से ही ये दुनिया चलती है। अगर ये ना हो तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। इस दुनिया में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? ये घर मेरे पिताजी ने बनवाया है, ये कार मुझे पिताजी ने दिलवाई है, ये मेरे पिताजी का पालतू कुत्ता है, सन ऑफ ग्रेट बिजनेसमैन नारायण जी का बेटा, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है ना? ए, अपनी जबान को लगाम दे वरना काट कर फेंक दूंगा। क्या आकाश, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? हाँ कहो, इसे काट डालूंगा। ए, उतार दो, निकाल दो इसे। हमारे रास्ते में आएगी तो तेरा भी यही हाल होगा। कुछ है, कुछ करे जा।